एक छोटे व्यापारिक केंद्र से लेकर भारत में ब्रिटिश राज की राजधानी और वर्तमान पश्चिम बंगाल की राजधानी होने तक कोलकाता भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जिसकी गलियों में बीते हुए कल की एक अलग ही महक है। मगर कई लोग ये नहीं जानते कि कोलकाता के ऐतिहासिक चकाचौंध में इसके उस पड़ोसी शहर की शान छिपी है, जिसका इतिहास कोलकाता से भी कई शताब्दियों पुराना है। ये हावड़ा है, जिसके बिना भारत के इतिहास की किताब अधूरी है। हुगली नदी के पश्चिमी किनारे पर स्थित हावड़ा कलकत्ता के बाद पश्चिम बंगाल राज्य का दूसरा छोटा जिला है। इसका इतिहास अधिकांश तौर पर तब से शुरू होता है जब मध्यकाल के दौरान भारत एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र के तौर पर उभरा। हर शताब्दी ने इस जगह को कुछ नए ऐतिहासिक पहलू दिलाए हैं। आइए आपको इनसे रूबरू कराते हैं। हावड़ा की शुरुआत को लेकर अनेक तथ्य हैं। कुछ सूत्र इसको अनेक पड़ोसी इलाकों से जोड़ते हैं। इन्हीं में मशहूर प्राचीन बंदरगाह ताम्रलिप्त या ताम्रलिप्ति भी है। दिलचस्प बात यह है कि मौजूदा हावड़ा रेलवे स्टेशन से पश्चिम बंगाल के दक्षिण में स्थित दीघा तक जाने वाली ट्रेन का नाम ताम्रलिप्त एक्सप्रेस है। वहीं बंगाल के उपजाऊ क्षेत्र से ताल्लुक रखने वाला हावड़ा कई साम्राज्यों के हाथों से गुजरा। इसका हमें एक अलग नाम से जिक्र सन 1495 में बंगाली कवि बरदास पिपलई द्वारा रचित कविता मानस मंगल काव्य और 16वीं शताब्दी में कवि कंकन मुकुंदराम चक्रवर्ती द्वारा रचित चंडी मंगल काव्य में मिलता है, जहां पर स्थानीय हरिरा वृक्ष की मौजूदगी के कारण जगह का नाम हरिरा रखा गया। जब 16वीं शताब्दी के अंत तक भारत कई यूरोपीय व्यापारियों और यायावरों का सक्रिय गढ़ बन रहा था, तब एक विनीशियन यायावर सीजर फेदेरिकी सन 1570 के दशक के दौरान भारत आया। उसका सफर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हावड़ा का औपचारिक जिक्र पहली बार बतौर नामक व्यवसायिक बंदरगाह के तौर पर हुआ, जहां पर जहाजों का ठहराव और निर्माण होता था। ये वो दौर था जब बंगाल दुनिया के सबसे धनी क्षेत्रों में से एक था और आज का कोलकाता तब 3 गांवों गोविंदपुर, सुतानुती और कालीकाता तक सीमित था। जैसे जैसे 17वीं शताब्दी में भारतीय तट पर व्यापार बढ़ता गया, हावड़ा की महत्वता भी बढ़ने लगी। बहुत लोग ये नहीं जानते कि ब्रिटिश प्रशासक जॉब चार्नॉक ने सन 1687 में उलूबेरिया में अपने व्यापार के लिए सबसे पहले कदम रखा, जो आज हावड़ा जिले के अधीन है। यहीं पर कुछ समय बिताने के बाद चार्नॉक हुगली नदी के पूर्वी तट पर बसे, जो आगे चलकर कोलकाता बना। हावड़ा का मुगलिया दरबार में जिक्र सन 1716 में तब आया जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बंगाल काउंसिल ने 10वें मुगल बादशाह फर्रुख सियार से कोलकाता और उसके आसपास के इलाकों में बसने की इजाजत हासिल की। वहीं सन 1757 में प्लासी के जंग में और पूर्वी भारत में अपने यूरोपीय विरोधियों को हराने के बाद जब अंग्रेज एक प्रभावशाली ताकत के तौर पर उभरे, तब कोलकाता उनकी प्रशासनिक राजधानी बनी। इसके साथ साथ नवगठित हुगली जिले के हिस्से के तौर पर हावड़ा का एक औद्योगिक क्षेत्र के तौर पर विस्तार हुआ। यहीं पर कपास और जूट के अलावा अन्य फैक्ट्रियां लगने लगीं, जिसके कारण भारतीय उपमहाद्वीप से अनेक लोग इस तरक्की में शरीक होने आए। सन 1843 में हावड़ा एक अलग जिला और सन 1862 में एक नगर पालिका बना। अपने सक्रिय औद्योगिकरण की वजह से हावड़ा की तुलना इंग्लैंड के औद्योगिक नगर शेफील्ड से होने लगी। जब अंग्रेज कोलकाता और हावड़ा समेत अन्य इलाकों में पांव जमा रहे थे, तब सन 1787 में उन्होंने हावड़ा के शिवपुर में एक बाग बनाया, जिसको वे कंपनी बागान या रॉयल बोटैनिक गार्डन भी कहलाते थे।
इस बाग का पहले पौधों की व्यवसायिक महत्वता समझने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, जिसके बाद ये बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लिए जैव संपदा आदि की जानकारी और इस्तेमाल को समझने के लिए प्रयोग किया जाने लगा था। ये आज आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बोटैनिक गार्डन के नाम से जाना जाता है, जहां पर करीब 1377 पौधों की प्रजातियां हैं और कुल मिलाकर 14122 पौधे, 25 खंड और 24 परस्पर झीलें भी हैं। यहां पर दुनिया के सबसे बड़े बरगद के पेड़ों में से एक मौजूद है, जो लगभग 250 वर्ष पुराना है और आज भी यहां देखा जा सकता है। हावड़ा का एक आध्यात्मिक पहलू भी है। यहीं पर 19वीं शताब्दी के संत और समाज सुधारक रामकृष्ण परमहंस रहे थे, जो उनके मृत्यु के बाद स्वामी विवेकानंद और अन्य शिष्यों की कोशिशों के बाद भव्य बेलूर मठ बना। ये वो जगह भी है जहां पर विश्व प्रसिद्ध सामाजिक संगठन रामकृष्ण मिशन की उड़ान को पर लगे थे। जैसे जैसे कोलकाता का प्रशासनिक गढ़ के तौर पर विकास हुआ, हावड़ा का भी एक औद्योगिक गढ़ के तौर पर विकास किया जाने लगा था, मगर जमीन और पानी पर यातायात की बढ़ती मांगों को मद्देनजर रखते हुए इस पर पहला कदम सन 1854 में हावड़ा रेलवे स्टेशन की स्थापना से लिया गया था, जो आज भारतीय रेलवे के तहत पूर्वी और दक्षिण पूर्वी रेलवे का टर्मिनल है। इसके पड़ोस में पिलखाना झोपड़पट्टी है, जिसने सन 1985 में अंग्रेजी उपन्यास सिटी ऑफ जॉय को प्रेरित किया। यही उपन्यास 7 साल बाद आने वाली इसी नाम की फिल्म की प्रेरणा स्रोत बनी। मगर हावड़ा और हावड़ा स्टेशन तक लोगों को स्टीमर के जरिए जाना होता था और औद्योगिकरण की वजह से हुगली नदी पर यातायात की गतिविधियां बढ़ने लगी थी। कोलकाता और हावड़ा के बीच पुल पर पहली बार विचार सन 1862 में हुआ, जिसके बाद सन 1874 में एक पॉन्टून ब्रिज या नौका पुल बना। बढ़ते ट्रैफिक, भारी यातायात के साधनों की आवाजाही और मौसमी दिक्कतों के कारण सन 1936 में यहां लोहे के एक पुल पर काम शुरू हुआ, जो सन 1943 में हावड़ा ब्रिज बना। रविंद्र सेतु के नाम से जाना गया ये पुल दुनिया के सबसे व्यस्त पुलों में गिना जाता है। इसके बाद 3 और पुल भी आए, सन 1931 में विवेकानंद ब्रिज, सन 1992 में विद्यासागर सेतु और सन 2007 में निवेदिता पुल। सन 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद हावड़ा एक सक्रिय रिहायशी, व्यवसायिक और शैक्षिक केंद्र के तौर पर उभरा, जिसको एक तरीके से कोलकाता के लिए एक सहायक नगरी का दर्जा मिला है। जैसे दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में उसके शहर, आज हावड़ा का सुनहरा बीता हुआ कल इसकी दौड़ भाग वाली जिंदगी और इसके पड़ोसी की औपनिवेशिक शान में कहीं खो गया है।